तो ना हादी कर दिया बेला ने, तो बच्चों वाली हरकत है, इससे उठाकर कोई अपना जेवर देता है सहेलियों को? ऐसी उतनी बच्चियां क्या हो गया, वो तो चलो बच्ची थी, तुम्हारा वो जो टग्गा है बासु, वो जो होम डिलीवरियां करता रहा, वो उसे कल करनी चाहिए थी, वो बता देता। मैंने तो घर जाके ना कस की ट्यूनिंग करनी है दोनों की। बेला ने कुछ नहीं कहना, मैं उन्हें आप समझा दे। बहू जी वैसे हाली भी वक्त है, बाहर वालों में रिश्ता करने से पहले सोच लें, इस तरह की बेवकूफियां ना बर्दाश्त नहीं करते लोग। अच्छा भाई, तुम बड़ी आइंस्टाइन थी ना जैसी उस उम्र में। ओ भाई बच्चियां अपने शौक पूरे करने के लिए कुछ लेन देन कर लेती हैं, क्या है इसमें ऐसी बात? लो जी पै गया स्यापा। ये क्यों रोक रहे हैं बाबू जी, मास्क निकाल लें। ये कहाँ जा रहे हैं आप? और मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? आपको पता है कि मुल्क के हालात कितने खराब है कोरोना की वजह से? हमें तो लग रहा है हमारे अपने घर के हालात ठीक नहीं है, लगा लेते हैं मास्क। और हाथ सैनिटाइज किया आपने? हाँ जी, वो हाथ पैर नाक दांत सब कुछ सैनिटाइज कर। चले ठीक है, और बुजुर्गो आप जरा ख्याल करें अपना भी और दूसरों का भी। हाँ जी भाई, आपसे कह रहे हैं। आपसे कह रहे हैं बहू जी, यार पता है मैंने ज्यादती किया तुमने बेला के साथ। पता नहीं यार कैसे मुंह से निकल गया। अंदाजा भी है कि कितना हर्ट हुई है वो। सेल्फिश लोगों को किसी चीज का अंदाजा नहीं होता। तो मुझे सेल्फिश कह रहे हो? तुम्हारी खातिर बेचे थे उसने जेवर। हम मुकर जाओ इस बात से भी। तुम्हें भी बता दिया उसने? क्यों नहीं बता सकती वो? तुम उसे सबके सामने लेट डाउन करो, वो मुझसे शेयर भी नहीं कर सकती। ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत आओ। मैं तो आऊंगा, बीच में नहीं बल्कि सामने आऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। देखा तुमने, देखा कैसे चैलेंज करके गया बदतमीजी के साथ। तुमने भी तो ज्यादती की है ना बेला के साथ। ज्यादती मैं नहीं, अब वो कर रही है, पर्सनल बातें बता रही है यार सारी दुनिया को। आए हाय, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये राइट और रॉन्ग का सबक ना अपने बेटे को पढ़ाए जाके, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो यहाँ आके। Every time I talk to him, he sounds so angry. And attitude पे क्यों मारता है मैंनू? खाला आपसे नाराज नहीं है। सारे ही पूतरे दें। और बूटा जी, हाँ। और मेरी बहू ने शेख साहब के वलीमे में तुम्हारी पोती बेला को देखा था, बस उस वक्त से पीछे पड़ी हुई है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है और सुलझी हुई भी बहुत है। बहुत सुगर भी है जी हमारी बेली, सारा घर हमारा तो उसी ने संभाला हुआ है। अच्छा माशाल्लाह भाभी, ये तो आपकी बेहतरीन तरबियत का नतीजा है ना। बस जी नुदरत के बाद ना हमने उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला है, अपने बासम ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे, क्यों बाबू जी? बता रहे थे अब्बा जी कि जब भी ये जाते हैं तो बहुत प्यार से मिलती है वो इनसे हमेशा। काके की हाल है, कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? ठीक चल रहा है बाबूजी, अभी बस डैड ने प्लांट लगवा के दिया, उसी में मसरूफ हूँ। माशाल्लाह अब तो दोनों फैक्ट्री यही संभाल रहा है। लो जी फिर तो किसी तीसरे बिजनेस की भी तैयारी पकड़े, क्योंकि हमारी बेला किसी से कम नहीं है, बड़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह। अब बूटा जी, अब बेटे पाकिस्तान आए हुए थे तो उन्हें साथ लेकर आते। ओ यार मुंडे दो ही मेरे आए सन, खोकर आना भी कह रहे सन, मैं मना करता, मैं कह कोरोना शोरोना फैला तुम घर ही रहो चंद दिन, ऐसा मैं अपने जवाई नू लेके आ रहा। हाँ जी मैं बहनोई हूँ उनका, वो मेरे साले भी हैं और मामूजाद भी हैं, बड़ा ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, तो वो कहने लगे आशिक हुसैन भाईजान एडवोकेट, जैसे आप बेहतर समझे वैसे फैसला कर लीजिएगा। लो जी ये बात है ना, तो हमारी तरफ से तो बात पक्की समझे। अच्छा ना
बेटे पाकिस्तान आए हुए हैं, सादगी से फर्ज अदा कर देते। लो जी, जुमे नु मंगनी करने है ते ईद तो दो दिन बाद निकाह कर देंगे। क्यों जी? बड़ा ही नेक ख्याल है। बिस्मिल्लाह करें जी। बेगम मुंह मीठा कराओ भाई। लाइए लाइए। अच्छा अगर वो बालू शाही की खुशी में बालू शाही से मुंह मीठा करे। जी आपने तो जाते साथ ही मंगनी वाला फायर खोल दिया जी। वैसे बाबू जी थोड़ा सोचने का टाइम तो ले लेते। जे मैं सोचने दे चक्कर ही पै जांदा ते नानका निकल जाना सी। फिर झूठ बोल बोल के अपनी कब्र काली करनी पैंदी। ये लड़की दे मामे क्यों नहीं आए? बाबू जी उन्होंने कौन सा नानकी छक डाल देना है शादी में? मैं खंगदा भी नहीं उन्होंने नानकी छक ते। मैनू ते सिर्फ उन्हां झूठियां दी गेस्ट अपीयरेंस चाहिए बस। ध्यान भी तो कोई नहीं है बेला का, चारी का बाप भी इकलौता ही था। लो जी वो देखो करेडा की चलती फिरती सब्जी मंडी नीम दराज है। वो टमाटर का रेट क्या चल रहा है वैसे? क्यों आशु भैन तुसी पैसे देने टमाटर दे? सज्जो मुबारक हो तुझे, बेला की बात पक्की कर दी है। पक्की कर दी इतनी जल्दी? ना तो पहले बैठकर 5 साल का मंसूबा बनाते, फिर सेनेट का इजलास बुलाते, फिर फाइनल करते। जुमे वाले दिन मंगनी है। हाय हाय इतनी छोटी भाई, बातें ही करती रहोगी या को मुंह मीठा भी कराओगी? लाती हूँ प्लेटें। 2 दिन बाद है जुमा, इतनी जल्दी मंगनी? बेटा जुमा 2 दिन बाद ही आना है, आगे करा दे जुमा, क्या करें। बेला ने तो देखा नहीं अभी तक अम्मी लड़का। तुझे तो देख लिया ना सारे खानदान ने। मुझे? मुझे देखने से क्या होगा? ये जो तमाशा किया ना तुम दोनों ने 2 घंटे पहले ज्वेलरी वाला, कोई नहीं भूला। ओहो अम्मी आप छोड़े इस बात को, मुझे ये बता इतनी जल्दी क्या थी रिश्ता फाइनल करने की? जब बाबू जी तेरे लिए नहीं माने तो जहां भी करें रिश्ता। मेरे लिए? बेला और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं अम्मी, बहुत ही अच्छा हुआ नहीं माने, और उसी दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ, आपको पूछना चाहिए था बेला से। लेकिन मुझे तो कोई एतराज नहीं है। सुन लिया? होगी तसल्ली? मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी बात से। जब किया रे दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, हो पिया पिया रे। ओए विकी ये बैठे बिठाए तुझे इश्क का बुखार कैसे चढ़ गया पुत्र? आप छोड़े ना इस बात को, आप बाबूजी से बात करें। हाँ जी, जैसे बाबूजी ने मेरी बात सुननी है और माननी है। और पुत्र दोपहर को ना बाबूजी ने वो चेक तकरीबन मेरे मुंह पे मारा था। मुझे पसंद है बेला, मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी। ओ विकी पुत्र, पहली बात तो ये है कि बाबूजी नहीं मानेंगे, और दूसरी बात ये है तेरी माँ ने तेरे लिए ईशा को सोचा हुआ। लेकिन मेरा और ईशा का ऐसा कोई इरादा नहीं है। बेटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तेरी माँ का इरादा है। उसी प्यो पुत्र की राजदारियां पे करण डे जे। Congratulations, बेला की मंगनी तय हो गई है। Have some. मैंने नहीं खानी, आप खाएं। अनु क्यों है? ऐड एटीट्यूड पे क्यों महान है? ओ सज्जो बेटा, उसके एटीट्यूड को छोड़ो, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस अंग्रेजी का पीछा भी छोड़ो और बाबूजी का पीछा करो।
और किसी ना किसी तरीके से बाबूजी को मनाने की कोशिश करो, हमने कनाडा वापस भी जाना है। आओ मैं भी आप सोच दी सां। वैसे तो कनाडा में लॉकडाउन है पर हमारा तो डिलीवरी का काम बड़ा ही अच्छा चल सकता है आजकल। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी बड़ा नुकसान हो रहा है बिजनेस का। पर हुन मैनू डर है कि किते बाऊ जी बेला दी डेट ना फिक्स कर देन ब्याह दी। हैं? और फिर तो हमें बेला का ब्याह अटेंड करना पड़ेगा। तुम स्टैंड क्यों नहीं ले रही हो? फ्राइडे को एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट हो या शादी, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझसे कर लो शादी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हम दोनों साथ खुश रहेंगे। तुम क्या कह रहे हो बेटी? और वैसे भी अब तो बहुत देर हो चुकी है। इनकार कर दो, बाबूजी को मैं खुद मना लूंगा, मेरी बात पे कभी भी इनकार नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। ओ हेलो, क्यों बरगला रहे हो उसे? चलो मैं तो बरगला रहा हूँ ना, तुम्हारी तरह लोगों की नजरों से तुम्हें गिरा रहा हूँ। शट अप, यू शट अप। तुम दोनों लड़ते रहो। बेला, मैं बात करता हूँ बाबूजी से। हाँ बिल्कुल करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे लगा खुशफहमी का जाला वही उतार सकते हैं और कोई नहीं। बात करता हूँ बाबूजी से। क्या बकवास कर रहा था ये तुमसे? उस बकवास से तो बेहतर जो तुमने मिस की। तो कवर हो गई ना बात, किसी ने कुछ कहा तुमसे? हसन तुम्हें अंदाजा भी है बाबूजी के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे। मैं ऐसे फजूल अंदाजे नहीं लगाता। मुझे भी तुम जैसे फजूल इंसान से बात नहीं करनी। उठो जाओ मेरे रूम से। क्या हो रहा है ये? आपको नया शोशा छोड़ा तुम दोनों ने? ये छोड़ रही है शोशे। आपको पता है विकी क्या कह रहा था इसे? क्या कह रहा था? सारा था इसे कि मंगनी करने की क्या जरूरत है। रहने दे उसे, उसकी अक्ल भी ना अपनी माँ की तरह छोटी, उसे क्या पता कितना अच्छा रिश्ता है, कितने अच्छे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबूजी बड़े खुश हैं। शुक्र है आप भी खुश हुई, वरना कल तक तो आपने भी मुंह लटका रखा था। हम तो सारे ही खुश हैं, मगर तुम किस खुशी में सबसे लड़ते फिर रहे हो? लड़ नहीं रहा, गुस्सा चढ़ रहा है उस विक्की पे मुझे। बेला जी, सच सर बता मुझे, सोफिया ने जेवर मांगा था कहीं पहनने के लिए? आपकी सुई अभी तक इस बात पे अटकी हुई है? चले मेरे साथ, वो फाकत मामू की तबीयत पूछें और उन्हें कहें कि डॉक्टर पे जाएं। सिम्टम्स ठीक नहीं लग रहे उनके। आई नो, क्या एलर्जी उनको कह रहे थे? और भी बहुत सारी एलर्जीज होंगी, मैं बताता हूँ। फाइन रफी, सज्जो कह रही है कि आपका बुखार ही नहीं उतरा अभी तक। अरे पता नहीं, अरे अजीब ही मुसीबत में फंस गया हूँ। बर्दाश्त ही कर रहा हूँ, फ्लाइटें बंद हो गई हैं, वरना मैंने तो कब का चला जाना था। तो कोई नहीं, इसी बहाने वो यतीम भांजी की शादी भी लिपटा ले। पता नहीं ऐसी कौन सी आफत आ गई है, दुनिया कोरोना से मर रही है और बाबूजी को यहाँ बैंड बाजा बजाने की पड़ी हुई है। बहन बाबूजी थोड़े वहमी हो गए ना बीमारी के बाद, और वैसे भी बेला के मामले में किसी पर एतबार नहीं है उनको। तभी घर में रिश्ता होते हुए गैरों में जाके निवासी दे दी है। और ने तो क्या, इतना बड़ा फैसला किया, कम से कम बेटों से तो पूछ लेते। और निक्की बाजी, वो खोकर साहब से 30-35 साल का साथ है बाबूजी का, और उनका पोता भी मुंह मथे लगने वाला है, बंदे का पुत्र है, इसीलिए तो हथेली पे सरसों जमा दी उन्होंने। पायन मैं तो अभी भी कहूंगी, आप बिला के बहाने बाबूजी का दिल साफ करने की तो कोशिश कर ले। रहने दे, मैले से मैला कपड़ा
अमेरिका में मैं अपनी लॉन्ड्री में धो सकता हूँ, पर बाबूजी का दिल पता नहीं क्या बुगज लेके बैठ गए अपने दिल में हमारे लिए। थोड़ा मोहब्बत खलूस का पाउडर डाल लेना जी। ओ भाजी, ये खांसी और मोहब्बत जो है ना, ये छुपाए नहीं छुपते, मेरे ख्याल किसी डॉक्टर को दिखाए आप। डैड ये सूप पीले, बेला ने बनाया, बहुत ही मजे का है। हाय हाय, हाथी जला लिया अपना, तेरा भला हो जाए। बेटा तू भी ना कोई कुफी से कोई हाथ पैर चलाना सीख ले, कोई कुकिंग में है नहीं। पानी पिला। रब रखा जी। मुझे क्यों दे रहे बाबू जी? इन्हें नून तू अपने कोली रख, और मैं बुढ़ा होया, मजीद मैं नहीं संभाल सकता। I'm sorry. सारी कदी सारी तेरी शह, तेरिया चीजा ने जिन्हों मर्जी दे तू पुत्र। जो आपको बता देना चाहिए था। और मैं तुम्हें बता रहा ना, देख गल सुन ले, हसन मैनू पसंद है तेरे लिए, अच्छा लड़का, बहुत अच्छा, और तू उन्हें मिल ले, उधर गलबात कर ले, ये तेरा हक है। नहीं, मुझे आप पे भरोसा है। और फिर जुमे नू आ रहे ने, मंगनी करूं। बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत बुझे लग रहा है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज तेरी माँ याद आ रही है। ओ दीदी, कितना खुश होना सी उन्हें। आपने दवाई ली? दवाई तो मैंने दी नहीं, मैं शर्मिंदा थी ना, इसलिए आपके पास नहीं आ रही थी। आप चले, मैं आपको भी देती हूँ दवाई। उठे, ठीक है पुत्र। अच्छा, तेरी मर्जी, आ जा। नहीं, टाइम में आपको एक दो घंटे में कंफर्म कर दूं, फिर आ जाइएगा। आराम से बाबू जी, वो रशीद से बात हो गई है, कल आ जाएगा कपड़े लेके घर। मंगनी ते देना दे, तेरे ससुरालियां नू इफ्फत ने मंगवाए ने, तू भी पसंद कर। मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, हो पिया पिया रे, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझसे कर लो शादी, पसंद करता हूँ तुम्हें, हम दोनों साथ खुश रहेंगे। तुम क्या कह रहे हो बेटी? और वैसे भी अब तो बहुत देर हो चुकी है। इनकार कर दो, बाबूजी को मैं खुद मना लूंगा, मेरी बात पे कभी भी इनकार नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। सज्जो, मुबारक हो तुझे, बेला की बात पक्की कर दी है। बाबूजी, ऐसा भी क्या मांग लिया मैंने जो आपको चुप्पी लग गई है? लड्डू, आज से तू ये गल कर रही है, आइंदा ना करिए। हसन मुझसे ज्यादा अच्छा है।
गल अच्छे बुरे दी नहीं पुत्र है, बस मैं अपनी बालूशाही नूं मुल्क को दूर नहीं पिछवा सकता। तो बाबू जी अब हुक्म करें ना, मैं नहीं जाऊंगा वापस, मैं इधर ही रह जाऊंगा आपके पास। मैं सज्जो की तरह दालिम नहीं जिन्हें मेरे पुत्र नूं मेरे तो दूर करता, मैं उहदे नाल नहीं करा। बाबू जी जब डैड मॉम की खातिर सब कुछ कर सकते हैं तो मैं बेला की खातिर क्यों नहीं कर सकता? मैं जमान दे चुका इफ्तिखार नूं उहदे पोते लई। आप एक दफा बेला से बात तो करके देखें। उन्हें तेनू इत्थे भेजिया? नहीं, मैं अपने दिल के कहने पे आया हूं। आपसे मेरी तसल्ली के लिए एक दफा बेला से बात करके देख लेना, अगर उसने इनकार कर दिया ना मैं फिर नहीं कहूंगा आपसे दोबारा, प्रॉमिस। विक्की से तुमने कहा बाबूजी से बात करने के लिए? क्या बात करना है? यही कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ मैंने भेजा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें विक्की पसंद है? ना पसंद होने की वजह? तो फिर बाऊजी को क्यों भेजा इफ्तिखार साहब के घर? मैं जहां भी भेजूं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम विकी से लड़ते क्यों रहते हो हर बार? तुम्हें सूट नहीं करता वो। और तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले कि वो मुझे सूट नहीं करता? बेला दोस्त हो तुम्हारा, इसे लाठी बनाकर चलती रही हो सारी जिंदगी। तो उसका क्या मतलब है? मैं बाकी की जिंदगी में क्या अंधों की तरह गुजारूंगी? कहां जाना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, सबका फैसला तुम करोगे मेरे? अच्छा भाई कर लो सारे फैसले, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी तो दाव पे मत लगाओ। दाव पे तो हमेशा तुमने लगाई है मेरी रेपुटेशन, हमेशा मेरे कंधों पे रख के बंदूक चलाते हो तुम। क्योंकि तुम्हें इस घर में इंसान बनने का मार्जन दिया जाता है, और मेरी किसी गलती पे कोई माफी नहीं। चार बंदों के दरमियान खड़ा करके जलील कर देते हैं सब मुझे। इसका क्या मतलब है? तुम हमेशा मुझे ढाल बना के बच जाओगे? तुम कैसे मर्द हो, एक औरत के पीछे छुप के भी जिंदगी गुजारना चाहते हो? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरी किसी पास क्या मसला है तुम दोनों का? हर वक्त लड़ाई, हर वक्त लड़ाई, हर वक्त झगड़ा। अब किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? अब किस वक्त पे झगड़े हो दोनों? एहसान किया था इसने मुझ पे, अपनी माँ की चूड़ियां बेच के रकम का बंदोबस्त किया था ताकि मैं बाहर जा सकूं। मर्दानगी के ताने देना तो हक बनता है ना इसका। लो ले लिया सारा इल्जाम अपने सर, बता दिए असल बात, अब तो शक नहीं है ना मेरी मर्दानगी पर। छोड़ इसका हाथ, दफा हो जा मेरी नजरों से। मैं नहीं चाहती कि मेरा हाथ फिर उठ जाए तुझ पर, दफा हो यहां से। ये चूड़िया, इन नकली चूड़ियों से तू और बासिम दुनिया को बेवकूफ बना सकते थे, मुझे नहीं। अम्मी ये मकसद नहीं था। क्या मकसद था बेली? तुझे पता है तेरी मां ने इन चूड़ियों का डिजाइन मुझसे ड्रॉ करवाया था। ये मेरी आंखों में नहीं, मेरे दिल पर नक्श है। मैं बस चाह रही थी कि बाबूजी किसी पे शक नहीं करें। क्या चाहती है तुम?
क्यों चाहती है कि बासन यहाँ से चला जाए? क्यों देती है उसका साथ? मैं बासन को डिप्रेशन में नहीं देख सकती खाला। मैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अब देखिएगा वो उधर नहीं रुकेगा। इधर ही धक्के खाएगा सारी जिंदगी। माँ का दिल दुखा करके जा नहीं सकता। खाला सॉरी। तुझे पता है ना बेली, मैंने बासिम से ज्यादा तुझे प्यार दिया। बड़ा दिल दुखता है मेरा जब तू ही मेरा एहसास नहीं करती। खाला आसिम, अगर तू वाकई मेरी औलाद है ना तो बेला की चूड़ियां कर्ज है तुझे, जिसे शायद वो तो माफ कर देगी। मैं नहीं करूंगी। तुम्हें सूट नहीं करता वो। और तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले कि वो मुझे सूट नहीं करता? बेला दोस्त हो तुम्हारा, इसे लाठी बनाकर चलती रही हो सारी जिंदगी। तो इसका क्या मतलब है? मैं बाकी की जिंदगी भी क्या अंधों की तरह गुजारूं? कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, सबका फैसला तुम करोगे मेरे? तुम हमेशा मुझे ढाल बना के बच जाओगे? तुम कैसे मर्द हो, एक औरत के पीछे छुप के भी जिंदगी गुजारना चाहते हो? इस जग को छोड़ के मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे। अगर तू वाकई मेरी औलाद है ना तो बेला की चूड़ियां कर्ज है तुझे, जिसे शायद वो तो माफ कर देगी। तो मैं नहीं करूंगी। तुम्हें इस घर में इंसान बनने का मार्जन दिया जाता है और मेरी किसी गलती पे कोई माफी नहीं। चार बंदों के दरमियान खड़ा करके जलील कर देते हैं सब मुझे। एहसान क्या था इसने मुझ पे? अपनी मां की चूड़ियां बेच के रकम का बंदोबस्त किया था ताकि मैं बाहर जा सकूं। मर्दानगी के ताने देना तो हक बनता है ना इसका। लो ले लिया सारा इल्जाम अपने सर, बता दिया सर बात।